8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए में लगाओगे। तो पूरे डिटेल नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम पांडे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखो, अभी मैं पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है सर्वोटेक का है और इसके 20 साल हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से आप 8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए में लगाओगे। तो पूरे डिटेल में प्रोडक्ट रेंज दिखाने वाला हूं जो सर्वोटेक का 20 साल में लगभग 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने 5-5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और एक प्रोडक्ट तो इन्होंने चार्जिंग स्टेशन का भी किया है। तो पूरे डिटेल में इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि सर्वोटेक ने क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वोटेक ने ऑन ग्रिड इन्वर्टर में क्या लॉन्च किया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सर्वोटेक ने लॉन्च किया है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। और यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है, यदि सिंगल फेज़ की बात की जाए तो 1 से 6 किलोवाट का आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिल रहा है। और वहीं पे 3 फेज़ की बात की जाए तो लगभग आपको 6 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इन्होंने लॉन्च किया है। और इस इन्वर्टर के थ्रू आप यदि चाहते हैं पीएम सूर्यघर में अपना सोलर पैनल सिस्टम लगाना तो वो भी लगा सकते हो और सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हो। तो ये बहुत ऑसम है कि आप सर्वोटेक के ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेते हो और अपने पीएम सूर्यघर वाले पोर्टल पे या पीएम सूर्यघर वाले सोलर पैनल सिस्टम पे भी अपना सब्सिडी के लिए इस इन्वर्टर का यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ऑसम है और इसको आप अपने ऑन ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम में यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के तरफ जहाँ पे इन्होंने क्या लॉन्च किया है। देखो, ये सबसे ऑसम प्रोडक्ट है। और ये क्या है, ये है VFD। और इस VFD के थ्रू आप यदि चाहते हो कि आटा चक्की का सोलर पैनल सिस्टम लगाना तो वो आप लगा सकते हो। और जो दिन में इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उससे पूरा आपका आटा चक्की चलने वाला है और उसमें 1 रुपये का बिल भी नहीं आएगा। यानी आपका सोलर पैनल सिस्टम डायरेक्टली ही आपके आटा चक्की के मोटर को चलाने वाला है इस VFD के जरिए। तो VFD का भी अनलिमिटेड रेंज है और इसके पोर्टल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चाहे आपको 5 किलोवाट का सिस्टम चाहिए या 10 या 25 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम VFD के साथ चाहिए तो आप सर्वोटेक से जुड़ के ले सकते हो। अब ये जो बड़ा सा आप प्रोडक्ट देख रहे हो, एक मिनट आप सर, ये जो बड़ा प्रोडक्ट देख रहे हो ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में आप क्या है कि आप अपने सोलर पैनल के साथ इसको सिंक करके एनर्जी स्टोरेज करके अपने घर की आत्मनिर्भरता कम्प्लीटली इस पर ला सकते हो। और दिन में तो देखो सोलर पैनल बिजली बनाएगा ही और रात में इस तरीके का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा के आप अपनी रात की भी रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल करने वाले हो। तो ये कम्प्लीटली लिथियम बेस्ड होने वाला है सर? यस। ओके, तो ये लिथियम बेस्ड जो, इसमें वारंटी क्या मिल रहा है आप बताएंगे? 5 इयर्स वारंटी है। अच्छा, और 10 इयर्स इसकी लाइफ वो है, लाइफ साइकिल 5000 इसके लाइफ साइकिल है। ओके ग्रेट। तो ये अभी कितना रेंज में क्या मिल रहा है थोड़े से बताएं? ये 24 वोल्ट में है। अच्छा। 100H 48 वोल्ट में है, 96 वोल्ट में है। ये हमारे जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उसके कंपेटिबल बनाए हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर के कंपेटिबल बेल्ट डिजाइन किया गया है। ओके ग्रेट। अब यहीं पे बात करें तो यहाँ पे हम, मुझे क्या दिख रहा है कि माइक्रो इन्वर्टर भी आपने लॉन्च किया है, तो इसकी क्या खासियत है और ये कौन लगा सकते हैं? माइक्रो इन्वर्टर जैसे हमारे MD साहब ने अभी बताया था प्रेजेंटेशन के उसमें कि जो कमर्शियल्स, स्मॉल कमर्शियल्स बिल्डिंग्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, रेजिडेंशियल हैं, जो पार्शियली भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी एनर्जी के नीड्स के हिसाब से। शॉप्स हैं जहाँ पे स्पेस कम है और पावर की रिक्वायरमेंट है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। तो अब माइक्रो इन्वर्टर के बारे में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा
और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके का माइक्रो इन्वर्टर हर पैनल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जो है सोलर पैनल के थ्रू मैक्सिमम ले सकते हो। अभी जो सर्वोटेक का पूरा सोलर पैनल सिस्टम है, यदि आपने ये इस तरीके का माइक्रो इन्वर्टर के साथ लगाया ना, तो यदि मैंने प्लान पूरा यदि सुना है तो आप इस तरीके का माइक्रो इन्वर्टर लगा के 2.5 लाख में 8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हो। और ये सर्वोटेक का जो है ना USP है, जो इस प्रोडक्ट के साथ वो मार्केट में ला रही है, और अपना पूरा सोलर या बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे आज उन्होंने दिखाया है। सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सोलर पैनल सिस्टम भी लगाना है और उसके साथ बैटरी भी लगाना है, तो देखो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लो। यदि आप ग्रिड से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो यहाँ पे सर्वोटेक आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आई है, वो है हाइब्रिड इन्वर्टर, ठीक है। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसमें आप अपने बैटरी बैंक को भी कनेक्ट कर सकते हो और साथ में सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हाइब्रिड सिस्टम का ये खासियत है जो सर्वोटेक अपने प्रोडक्ट के थ्रू लेकर आ रही है। भारत बहुत जल्दी से ही EV पे शिफ्ट हो रहा है, और जब EV पे शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो EV चार्जर लेके आता है। तो यहाँ पे मैं जब सर्वोटेक के इवेंट पे आ रहा हूँ प्रोडक्ट लॉन्च के, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर भी दिखा है जो लगभग 60 किलोवाट का है और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो सपोज इस तरीके का EV सेटअप के साथ भी सर्वोटेक आने वाले समय में मार्केट को कॉन्कर करने वाली है। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, लाइक कि आप चाहते हैं इस तरीके का पेट्रोल पंप खोलना, मैं पेट्रोल पंप इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आने वाले समय का यही होने वाला है पेट्रोल पंप, और इसको लगा के आप अपने बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप जैसी कमाई है वो करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर आने वाले फ्यूचर है, आने वाले फ्यूचर को ड्राइव करने वाला है। तो यहाँ पे इंचार्ज नाम से सर्वोटेक ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि 60 किलोवाट का है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग के साथ आता है जिसको लगा के आप गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, नेक्सॉन EV हो गया और बाकी सारे भी जैसे हुंडई कोना हो गया, और इस तरीके के जो भी चाहे MG का आप लेना चाहते हो, सारे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस तरीके का फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकते हो और जल्दी चार्ज होता है। लाइक कि यदि 60 किलोवाट का है और यदि आपका बैटरी बैंक जो है 30 किलोवाट का आपका EV में है, तो लगभग एक से आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा। हद से हद यदि मुझे 60 किलोवाट का चार्जर मिल रहा है तो इस सिंगल चार्जर से मैं दो ऐसे 30 किलोवाट वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकता हूँ। तो देखो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और जो लोग इस फील्ड में आके बिजनेस भी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ हैं सर्वोटेक के MD और एंड फाउंडर रमन सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सर अभी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, दो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, या पांच प्रोडक्ट आपने एक ही इवेंट में लॉन्च कर दिया, तो आने वाले समय में सोलर इंडस्ट्री में क्या आग लगाने वाले हो आप? सर एक्चुअल में ना बचपन से एक ही प्रॉब्लम रही है, हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं पाते। अच्छा, काम आता नहीं है। जब घर से कपड़े भी कहते थे खरीद लो, हाँ, तो 6 पंटी इकट्ठे ले आते थे, बार बार कौन जाएगा। यही वाला सिस्टम आज भी है। अच्छा अच्छा, एक ही साथ कर लो, हाँ, क्या बार बार लगेंगे। मतलब बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप पूरा टाइम लगाने वाले हो? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं रिसर्च डेवलपमेंट में टाइम लगाता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मैं यूज़र एक्सपीरियंस पर दिमाग लगाता हूँ कि यूज़र की चाहत क्या है, उसको पूरा कैसे किया जाए। बाकी काम टीम कर देती है, लोग बड़े अच्छे हैं मेरे साथ, इस बात की बड़ी कृपा है भगवान की। और ये आपने बहुत ज़बरदस्त बोला था, प्रेजेंटेशन आपका तो औसम था, और उसमें एक जो आपने ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि मैं सिर्फ 2.5 लाख में 8 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम चाहता हूँ लगवाना, तो ये आपने बहुत अमेजिंग बात बोली जो आज के समय में मुझे लगता है कि सोलर पैनल इंडस्ट्री में एक आग की तरह फैलने वाला है। और ये आपका जो मिशन है सोलर को आम लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत मैं अहम मानता हूँ इसमें। मेरा मानना है कि ये सब चीज़ ना मुश्किल नहीं है, मैं अच्छा। इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। जब मैंने EV चार्जर पे भी काम करना शुरू किया तो मैंने पूछा ये चार्जर कितने का है, तो उन्होंने बताया कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। मैंने कहा यार ये समझाओ ये इतना महंगा क्यों है। अच्छा, तो हमने कुछ वर्ल्ड के टॉप शॉट चार्जर खरीदे और सब तोड़ दिया। मैंने कहा इसको तोड़ के बताओ इसमें लोहा कितना है, इसमें कॉपर कितना है, इसमें एल्यूमिनियम कितना है, सब तोल के जब उन्होंने बताया तो कहते जिसमें सामान तो लगा हुआ है 1.5-2 लाख रुपये का। मैंने कहा बाकी क्या, फिर ये 15 लाख का क्यों है?
तो कहने लगे इसमें टेक्नोलॉजी है, कन्वर्जन है, प्रॉफिट्स हैं। मैंने कहा कन्वर्जन और टेक्नोलॉजी को सस्ता कर दो, प्रॉफिट कम में काम कर लेंगे। तो आज हमारा चार्जर 4 लाख रुपए का हो गया। ओके, तो ऐसे ही हमने काम किया है जो इन्वर्टर्स पे किया है। इन्वर्टर्स को सस्ता कर दो, सस्ता कर दो, ठीक है। और ये मैं देखा था कि माइक्रो इन्वर्टर में बहुत कम कंपनी है, ठीक है, लेकिन आपने ये जो टेक्नोलॉजी अपने कंपनी के साथ इन्वेल्ट किया है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जो सोलर पैनल का एफिशिएंसी है ना, बूस्ट करने वाला है। जी जी, तो जी, इसके जी, लिए तो पहले बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद, ठीक है। और आने वाले ऑडियंस को इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? माइक्रो इन्वर्टर अपने आप में वाकई खास है। मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको डू इट योरसेल्फ के तरीके से देख रहा हूँ। यस यस यस, इसको इस तरीके से खरीदे और सिंपली 2 तारे बिजली के प्लग में डाले और उसको चालू करें। क्यों इतनी कहानी है, एसी डीबी डीसी डीबी फलाना ढिकाना, सिस्टम के अंदर ही क्यों नहीं है वो सब कुछ? बहुत क्यों अच्छा। मुझे इतनी सारी चीज़ों की कॉस्ट को क्यों जोड़ना है, मैं इसको इतना सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकता? सिंप्लीफाई कर दूँ। बहुत अच्छा सर। देखिए ये इवेंट में तो आपने 5 चाहे ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात करें, VFD की बात करें, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें, माइक्रो इन्वर्टर के बारे में आपने बोल ही दिया और EV चार्जिंग भी लिया है। आने वाले समय में और क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जब जब इस तरह की कंपनी जुड़ती है और आने वाले समय को ये प्रोडक्ट देती है तो और भी आशा बढ़ जाता है लोगों का। देखिए ऐसा है, हम लोगों की एक बात बड़ी क्लियर है, हमारा फ्रेम बड़ा फिक्स है। अच्छा, वो ये है कि हम सिर्फ प्रोड्यूस ग्रीन टू लिव ग्रीन। ओके, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और हम लगातार इवॉल्व कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को और क्वालिटी को और नए नए प्रोडक्ट्स को। तो बहुत जल्दी आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। और देखो सर्वोटेक जो है लिस्टेड कंपनी है, तो जो ये बोलती है वो करने में विश्वास रखती है। तो बहुत बहुत लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुत आम इंसान हूँ, बहुत नीचे से चल के यहाँ तक आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैं करना चाहूँगा और इसी तरीके से इसको बढ़ा रहा हूँ। और अभी जो मेरा विजन है वो ये है कि एक दिन इस दुनिया से जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया में कोई रहा नहीं। बिल्कुल। तो मेरे जाने के बाद सर्वोटेक का क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2073 के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे डिसीजन लेते हैं, इन सब को हम विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको प्रोसेसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपनी हमारे बाद भी उन वैल्यूज़ और कल्चर को और उस तेज़ी को, उस ग्रोथ को उस दिशा में ले जा पाए। सो दैट हमने जो कमिटमेंट्स लोगों से किया है उसको हमारे जाने के 100 साल बाद भी हम पूरा करता रहे। बहुत, वो मुझे दिख रहा है, आपने अपने पिताजी से रिबन कटिंग करवाया और इतना मतलब आपकी फैमिली के तरह लोगों को प्रेज करना, इवन की एम्प्लॉय को, तो ये आपके बड़प्पन को दिखाता है और किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए तो मैं साधुवाद और मुबारक ही देना चाहूँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। और कंपनी सर्वोटेक से जुड़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली ही जुड़ सकते हैं। तो क्या सोचना है आपका इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.